नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों आंगनवाड़ी आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी खबर होती है लगातार आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो दोस्तों आंगनवाड़ी बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आशा सहयोगिनियों को मानदेय भी 200 रुपये तक है प्रतिमा बढ़ेगा। यानी कौन से राज्य की न्यूज है, क्या आपकी पूरी न्यूज है, पूरा न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने साथी बहनों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। और दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि लगातार हम आंगनवाड़ी बहनों से संबंधित किसी भी राज्य की कोई भी न्यूज होती है आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। साथ ही आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कौन से राज्य में आंगनवाड़ी में कार्य करते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपके राज्य की आंगनवाड़ी संबंधित कोई भी न्यूज होगी तो हम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करवाएंगे। तो पूरा न्यूज हम डिटेल से देख लेते हैं। आशा सहयोगिनियों का मानदेय भी 200 रुपये तक है वो प्रतिमा बढ़ेगा। तो कहां का न्यूज है, राजस्थान का। दोस्तों है विधानसभा में सोमवार को सीएम ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं साथियों की तरह है आशा सहयोगिनियों का मानदेय 200 रुपये बढ़ेगा। कंपनियों के अमलमेशन और डीमर्ज के आदेश पर देश स्टाम्प ड्यूटी की सीमा है वो 200 करोड़ होगी। परिवहन विभाग आदि आपकी घोषणाएं हुई। साथ ही यहां आपको बात करते हैं आशा सहयोगिनियों की मानदेय की, तो सभी राज्यों में है लगभग आपके आने वाले दिनों में है मानदेय बढ़ने वाला है, क्योंकि संसद में आपका जो सम्मान काम सम्मान वेतन का बिल है वो पेश हो चुका है। साथ ही न्यूनतम वेतन का भी बिल है वो संसद में पेश हो चुका है। अगर ये दोनों बिल है वो संसद में पास हो जाते हैं तो सभी बहनों का मानदेय है वो लगभग है 9,000 से 18,000 रुपए तक बढ़ने वाला है। यानी कई बहनों का मानदेय है वो 9,000 रुपए तक होने वाला, साथ ही कई बहनों का मानदेय है वो 18,000 रुपए तक भी बढ़ने वाला है, क्योंकि जो आपका न्यूनतम वेतन का कानून ये कहता है कि आपका कुछ न्यूनतम वेतन होना चाहिए। यानी सरकार ये तय करे कि कौन से कर्मचारियों का है वो कितना आपका न्यूनतम वेतन तय करना है। जैसे कि आपके ए ग्रेड के कर्मचारी हैं, बी ग्रेड के हैं, सी ग्रेड के हैं और डी ग्रेड के कर्मचारी हैं, उनका वेतन है वो अलग अलग आपका न्यूनतम वेतन फिक्स किया जाए, यानी आपका 24,000 किया जाए या 18,000 किया जाए। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। कुछ पार्टियां इसके अपोजिशन में हैं, यानी विपक्ष में खड़ी हैं। अगर वो इसके पक्ष में वोट देती हैं तो ये कानून आपका जल्दी बनने वाला है। और सभी राज्यों की जो भी बहनें हैं लगातार अच्छी खासी मेहनत कर रही हैं, उनका मानदेय है वो आने वाले दिनों में अच्छा खासा बढ़ने वाला है। साथ ही अगर आपका सम्मान काम सम्मान वेतन का बिल पास हो जाता है तो बहनों को कई भत्ते मिलने वाले हैं, पेंशन जैसी सुविधाएँ भी मिलने वाली हैं और आपकी आंगनवाड़ी के जो भी जर्जर हालत है वो भी सुधर जाएगी, क्योंकि बहनें हैं लगातार मेहनत करती रहती हैं, उनको ना आपके मकान का किराया दिया जाता है। लगातार कुछ बहनें तो ऐसी हैं कि बरसात के मौसम में हैं, उनकी छतें हैं वो जर्जर हो चुकी हैं, लगातार पानी टपक रहा है, फिर भी बहनें लगातार अपनी जो भी काम है वो कर रही हैं। तो ऐसी बहनों को है हमारा चैनल सल्यूट करता है और लगातार हम आपको न्यूज प्रोवाइड करवाते रहते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की हो। तो आपको आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आए। पसंद वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार हम जो भी आपकी न्यूज होती है चाहे वो किसी भी राज्य की होती है आपको प्रोवाइड सबसे पहले करवाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।